कोविड 19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5.87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड 19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, वॉल ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड 19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड 19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नज़र रख रहा है। कोविड 19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सिक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्यौहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियमन नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूँ। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। कोविड 19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे
कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड 19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सिक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है। Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.